हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीजर सैलड बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीजर सैलड बनाना। सीजर सैलड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता रहेगी एक आइसबर्ग लेट्यूस की। आइसबर्ग लेट्यूस से ही सीजर सैलड बनता है और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर से जो आइस हटा देंगे, उसके बाद वर्बली आप इसका सारे पत्ते निकाल लीजिएगा। बस इस तरह एक एक करके सारे पत्ते हम निकाल लेंगे, अलग कर देंगे। ये देखिए सारे पत्ते हमने अलग कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पत्तों को वर्बली तोड़ देंगे। आपको यहाँ पर चाकू बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वर्बली हाथ से इस तरह आपको सारे पत्ते तोड़ देने के हैं। ये देखिए छोटे छोटे फिसेज के अंदर हम सारे पत्ते तोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए आइस। आइस के अंदर पत्तों को डाल के हम रख लेंगे, करीब 10 मिनट तक हम रख लेंगे आइस के अंदर डालकर। उससे हमारे पत्ते एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे। सीजर सैलड का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आइसबर्ग के जो लेट्यूस के पत्ते हैं ना, वो एकदम क्रंचीनेस जो होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और वही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे और इनकी साइड हटा देंगे। साइड हटाने के बाद में हम इन डाइस कटिंग में छोटे छोटे फिसेज के अंदर कट कर लेंगे, ब्रेड क्रूटॉन बना लेंगे। इस तरह आपको भी बस छोटे छोटे फिसेज के अंदर कट करना है, और इसके बाद आप इन्हें टोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इनको ओवन के अंदर टोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पैन के अंदर भी इनको टोस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पैन के अंदर अगर आप टोस्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ऑयल और पानी कुछ भी टच नहीं करना है। मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर बस कंटिन्यू से हिलाते हुए टोस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओवन के अंदर टोस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक झाली के ऊपर सारे क्रूटॉन जमा दिए, अब हम ओवन के अंदर डाल देते हैं। ओवन हमारा ऑलरेडी गर्म है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इन्हें दोनों तरफ से पलटी कर आपको टोस्ट करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पलटी करके इनको सबको बढ़िया टोस्ट कर दिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर आपने ड्रेसिंग बनानी है। ड्रेसिंग बनाने के लिए गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउल के अंदर 2 चम्मच मायनीज ऐड कर लेंगे। मायनीज की ड्रेसिंग बनाएंगे, लेमन ड्रेसिंग बनाएंगे हम। हल्का सा स्वाद अनुसार इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच आपने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालना है क्रश किया हुआ। साथ में यहाँ पर 2 छोटे चम्मच लेमन जूस डालेंगे। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड करेंगे, ऑप्शनली आप चाहे तो टच कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 4 दाने चीनी के डाल देंगे और थोड़ी सी पार्सले डाल देंगे। गाइज कोई भी वेनेगर की ड्रेसिंग हो या लेमन की ड्रेसिंग हो तो उसके अंदर आपने 4 दाने चीनी के डालना बहुत ही अनिवार्य है। अगर इस तरह 4 दाने चीनी के डाल के आप बनाओगे ना तो इसके टेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा इंग्रीडियंट देखोगे आप। चलिए बढ़िया सा मैं इसे सबको हिला के मिक्स कर देता हूँ स्पैचुला से। आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। और हाँ, पारमेजन चीज़ डालना तो हम भूल ही गए, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। पारमेजन चीज़ डाल के हम इसे एक बार बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, और करीब 10 मिनट रखने के बाद में जब हम आइसबर्ग लेट्यूस के लीव देखेंगे हल्के क्रंची हो जाएंगे, तब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस वर्बली मिक्स करने के बाद में स्पैचुला से हिलाकर बढ़िया सा इन सबको ड्रेसिंग के साथ में मिक्स कर लेंगे। बस आपने भी इसी तरह अच्छे से मिक्स करना है, और ड्रेसिंग भी आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपका सीजर सैलड काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए इसे वर्बली मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। गार्निश के अंदर हम क्रूटॉन डाल देंगे जो भी हमने करके रखे थे, और थोड़ी सी पारमेजन चीज़ ग्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा पार्सले कर लूँ, और एक चेरी टमाटो लगा के मैं इसे सर्व कर लूँगा। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर